अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम कंप्यूटर के अगले टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। आज हमारा टॉपिक होगा फ़ाइल को सेव करना। फ़ाइल को सेव करना कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो था, हमने जितने भी टॉपिक किए थे, अब जितनी भी उसमें जो हमने थी डायग्राम बनाई थी, अब जो फाइल्स हमने बनाई थी वो उन्हें सेव करना, सेव करने का तरीका क्या क्या होता है इसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फाइल सेव। नाउ वी आर गोइंग टू सेव। अब हम सेव करने जा रहे हैं दिस ड्राइंग फाइल जो हमने लास्ट टाइम जो बर्थडे वाली जो बनाई थी डायग्राम वो वाली, विद द नेम बर्थडे कार्ड। बर्थडे कार्ड के नाम से हम सेव करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लिक द फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू को जो ऑप्शन होगा, ठीक है, मेन्यू बार में जो फाइल मेन्यू होगा, सबसे पहले उसे क्लिक करेंगे, या फिर हम ऐसे करेंगे क्लिक द सेव ऑप्शन और टाइप कंट्रोल पर एस। फाइल मेन्यू पे जाएंगे, उसके बाद हम सेव के ऑप्शन पर जाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस करेंगे। कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा, द सेव एस डायलॉग बॉक्स अपेयर। हमारे पास एक सेव का डायलॉग बॉक्स जो है वो ऐसे जाहिर हो जाएगा जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट द फोल्डर। हम फोल्डर सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है माई डॉक्यूमेंट का फोल्डर सिलेक्ट किया हुआ है, ऐसा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद टाइप द फाइल नेम फॉर द ड्राइंग, जैसे कि इसमें दिखाया गया है फाइल नेम। फाइल नेम पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना टाइप करेंगे नाम फाइल का, जैसे कि हमने किया था बर्थडे कार्ड, उसका नाम टाइप कर दिया हमने। नाम टाइप करने के बाद हमारे पास ये एक और बटन होगा सेव का। सेव का बटन जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे पास जो हमने फाइल बनाई थी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अज़ीज़ तलबा, आज हमने क्या किया है, हमने आज पढ़ा है फाइल को सेव करना। फाइल को सेव करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, फाइल मेन्यू पे क्लिक किया। फाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, सेव के ऑप्शन पे क्लिक किया। अगर हमने यहाँ पे ऐसे तरीका नहीं इस्तेमाल करना तो हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस करेंगे। जैसे हम कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो हमारे पास एक सेव एस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। वहाँ पे हम क्या करेंगे, फोल्डर का सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमने अपनी फाइल को सिलेक्ट यानी कि सेव करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद हम अपना जो है फाइल का नेम जो है वो इसमें टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद हमारे पास जो सेव का बटन होगा उस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। अज़ीज़ तलबा, अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। आपने इसे जो अच्छी तरह से याद करना और लिखना भी है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह।